ना कोई सुपर पावर, फिर भी इतनी जिम्मेदारी। वेलकम टू रास्तेदारी। टेक वो टेक एन ऑथ, स्वेयर बाय गॉड, लव यू सो मच। किस्मत में मेरे चैन से जीना लिख दे। टुडे माय फीट डोंट टच द ग्राउंड, टेल मी हैव यू एवर सीन मी फ्लाइंग। जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। ना कोई सुपर पावर, फिर भी इतनी जिम्मेदारी। वेलकम टू रास्तेदारी। तो आज हम लेके एक नया वीडियो, और वीडियो के अंदर करेंगे हम चैलेंज। तो चैलेंज क्या है वो बताएगी मंजू। तो चैलेंज ये है कि हम बॉलीवुड सॉन्ग्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूछेंगे, और सामने वाले को ये पहचानना है कि ये सॉन्ग कौन सा है। मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। शिट, मैं कैसे करूंगा यार। यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है। मी हैव मॉम इज, मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है। मैं तो देख के भी नहीं पढ़ पाता, बोलना हो रहा है इसमें तो। शेट, तू पढ़ लियो मेरा। तो कौन फर्स्ट आता है, वही हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, स्टोन पेपर सीजर। तो कौन पहले पूछेगा तो हम डिसाइड करते हैं। जीतने के लिए आए हैं, जीत के जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ऐसा कि आंसर तू कर पाए शायद। टेक वो टेक एन ऑथ, स्वेयर बाय गॉड, लव यू सो मच। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको चैलेंज कर रहा हूँ तो मैं इसको डिफिकल्ट तो कुछ दूंगा, सब प्यार भरा देगा। प्यार से काम होता है, प्यार से चलता है रिलेशन, प्यार से गेम चलता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। टाइम्स अप, टाइम हो चुका। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। Today my feet don't touch the ground, tell me have you ever seen me flying। फिर से बोलती हूँ। Today my feet don't touch the ground, tell me have you ever seen me flying। टाइमर स्टार्ट करो। ये गाना मेरे को आता है पर मेरे को लिरिक्स याद नहीं आ रहे हैं। टुडे आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। ये तो मेरा फेवरेट गाना है, तेरे को पता होना चाहिए वाली बात। पता है। तो थैंक यू सो मच मेरे को एक पॉइंट देने के लिए। हाँ, तो एक हो गया प्यार भरा, अब वो एक शराब से रिलेटेड। आई एम ड्रंक, डू वॉट एवर यू वॉन्ट माई फ्रेंड। आई एम ड्रंक, रिजेक्ट लव नाउ, आई एम ड्रंक। एक बार और। आई एम ड्रंक, डू वॉट एवर यू वॉन्ट माई फ्रेंड। आई एम ड्रंक, रिजेक्ट लव नाउ, आई एम ड्रंक। मैं नशे में हूँ। कौन से गाने दिए तूने इतने गंदे। इतने भी बुरे नहीं देने, मैंने बोला था पॉपुलर होने चाहिए। और इतना पॉपुलर है ना इसके, तो यूट्यूब पर सर्च करेगी तो सबसे ज्यादा व्यूज इसी गाने के होंगे। I am drunk, मैं नशे में। वैसे तूने ऑलमोस्ट सही गैस करा, पर तू कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं नशे में हूँ, जो चाहे मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ, ठुकराओ अब ये प्यार करो, मैं नशे में हूँ। जगजीत सिंह का मैं नशे में हूँ। जगजीत सिंह का हो तो तेरी गलती है ना, यूट्यूब पे सर्च कर ले मैं नशे में हूँ, कितना पुराना गाना है। सब ने ही सुने, किसी ने सुना ये गाना तो कमेंट करो, कोई पॉपुलर है ये इतना। मैं नशे में हूँ जगजीत सिंह का गाना इतना पॉपुलर है कि मैं बता भी नहीं सकता। जगजीत का एक पॉपुलर जो सबसे है, होश वालों को खबर। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था उसके पता कितने गाने हैं। तो कैसी बातें कर रही है यार, कहाँ से आई है। मैं थोड़ी ना हनी सिंह के गाने डालूंगा सारे। Sorry, I'm not from your generation. I'm older than you.
ठीक है अब देख तू। अब है अगला क्वेश्चन। ओ माई हार्ट वॉज अलोन यू प्ले सच अ गेम आई विल वेक अप ऑल नाइट इन योर मेमोरी गैम्बलर गैम्बलर। वो तो याद भी नहीं है इसने बोला क्या इंग्लिश में गैम्बलर गैम्बलर के अलावा। गैम्बलर गैम्बलर जादूगर में जादूगर तू है बड़ा जादूगर। सही है मेरा राइट और रॉन्ग? सही से बता गाना कौन सा है। अबे यही तो गाना है जादूगर में जादूगर यार। सही तो हो गया तो मैंने सही तो बताया पहले यार। जादूगर में जादूगर शाहरुख खान वाला गाना यार। गलत बाजीगर तू बाजीगर। यार इजी था शिट शिट ओ मतलब अबे यार ये मैं कर सकता था। मैंने इतने पॉपुलर सॉन्ग लिए हैं और इसने पता नहीं ऐसे सुने जिसकी लिरिक्स इसको खुद देख के पढ़नी पड़ रही है। अगला क्वेश्चन है प्यार से संबंधित ये भी है। Why did you steal my heart when it was heart breaking? Why did we love? We had to turn our backs. Why did you steal my heart? दोबारा बोलूं। Why did you steal my heart when it was heart breaking? Why did we love? We had to turn our backs. Why did you steal my heart? भाई बिस्कुट उठा पारक चल। दिल मेरा चुराया क्यों जब इसे। Yes. Oh, third question. Daddy told me you are my fault. Your life is my guilt. In the form of soap, son, you turned out to be only foam. ये तो बहुत famous अपने दिल्ली का गाना है। दिल्ली गाना कैसे नहीं बोल पाएंगे यार हम। Daddy मुझसे बोला तू गलती है मेरी। तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी। साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला काला जा। चलो भाई बहुत अच्छा रहा। अगला मेरी तरफ से चौथा क्वेश्चन। इन फेट राइट माई लाइफ इन पीस डोंट ड्रॉन एवर रिटन बाय सफीना पैराडाइज इज ऑल्सो लॉस्ट बट फॉर मी राइट ओ कातिब अ तकदीर मदीना। आओ मदीने चले किस्मत में मेरे चैन से जीना लिख दे डूबे। ये जब इंसान नाराज हो जाता है तो बताए आपको क्या होता है कि नाराजगी से अच्छा गेम हार जाओ। तो मैंने इसको थोड़ा सरल पूछने लगे इजी। अच्छा ठीक है अगला क्वेश्चन। टेल माय हार्ट इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। ठीक है व्हाट डिडंट यू फाइंड What are you looking for? What is untold? What is unheard? Tell me what is that? Oh friend, what is your heartbeat telling you? इससे पहले तू गाने मतलब पूरे लिरिक्स एक साथ क्यों बोल देती है भाई? पुराने याद ही नहीं रहते नहीं के चक्कर में। अच्छा बहुत मुश्किल है। ओ माई फ्रेंड गणेशा तू देना साथ हमेशा। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। बकवास। हार्ड मन कैसे हार्ट हो गया यार? मन इज माइंड यार गाइस गूगल यार गलत बता रहेगा यार। दिल नहीं होगा माय हार्ट यार। तभी तो अब लिरिक्स से तुम गलत बोलोगे तो मैं कैसे कैसे मैं तो हिंदी में ही बोलेगी मेरे को दिल ये बता दे तू। मैं कभी किसको करेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा यार। ऐसे चीटिंग करके जीत रहे तो वैसे ही जीत जाओ यार। क्यों
जीतने से जीत जाओ, मैं जिता दूंगा यार, मेरे को कुछ तो कौन से पैसे मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मेरा लास्ट सवाल है, सम थिंग्स हैव हैपेंड, थिंग्स आर स्टिल, अ शार इज लाइंग, इट्स स्टिल रेनिंग टू डांस फ्रीली, मैच इज हाफ फिनिश्ड। क्या बोला है? Some things have happened. Things are still, a shower is lying. Shower, shower is lying. दोबारा बोलते हैं। Some things have happened. Things are still, a shower is lying. It's still raining to dance freely. Match is half finished. Once more. Match is half finished. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया। Something is happening. कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी बाकी हैं। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी बाकी हैं, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, सुना है ना गाना तूने? कुछ बातें हो चुकी, या मेरी क्या गलती, देखो गूगल। कुछ बातें हो चुकी हैं, सम थिंग्स हैव हैपेंड, सम थिंग्स थोड़ी होगा, कुछ बातें यार ऐसी है। पता क्या होता है ना, कर्मा जो लाइफ में होता है ना, वो आपको तुरंत या लेट बस जरूर आपको बैक टू आता है। तूने तो गलत लिरिक्स बोले थे, लिरिक्स गलत नहीं बोले थे, मैं तो गूगल की हेल्प लिया, गूगल गलत है तो मैं गलत हूँ। हाँ तो तू गलत ही है, क्योंकि ये गलत है इसका। कुछ बातें हो चुकी है तो समथिंग हैज हैपन तो नहीं, बोले शावर भी बोल रहे, गलत है ये, मैं तो नल एंड वॉइड करती हूँ इसको। ये गलत है यार, बिल्कुल गलत बोला ये। बट यू आर अ फॉरेनर, यू वोंट सपोर्ट मी, बाय द फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन द मॉर्निंग यू विल रिटर्न होम। ये तो बहुत ही इजी है। यू आर अ फॉरनर, यू वोंट सपोर्ट मी, बाय द फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन द मॉर्निंग यू विल रिटर्न होम। यू आर अ फॉरनर, तुम परदेसी हो, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़कर। पर बता क्या है? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन द मॉर्निंग, सुबह पहली गाड़ी से घर तो लौट जाओगे। इसने जितने के भी आंसर दिए जीता मैं, मुझे नहीं पता कैसे। कोई नहीं जीता ही ये, एक तो इसने गलत आंसर वो किया है, तो इस हिसाब से तो मैं जीती बनती हूँ। गलत क्वेश्चन पूछा, पता नहीं क्या क्या ट्रांसलेशन था, बहुत ही गलत था। हमारे जितने भी 500 सब्सक्राइबर जो कमेंट करते हैं, वो सारे कमेंट करके बताएं, जो करना चाहते हैं नए लोग वो भी कमेंट करके बताएं कि क्या वो गलत था। यदि वो गलत था तो हम दोबारा से मैच करेंगे। हाँ तो तब तक के लिए सायोनारा, करें अपनी पूरी जिम्मेदारी, बाय बाय फ्रॉम रास्तेदारी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और चीटिंग तो बिल्कुल ना करें इसकी तरह। बाय बाय।